हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी निकलने वाले हैं। उसी ब्लॉग को मैं, जो सेकेंड ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं दरगाह से। तो अभी यहाँ से जाएंगे, तो रास्ते में जाते हुए मैं आपको बताऊँगी कि हम और कहाँ जाने वाले हैं एग्जैक्टली। और हमें भी नहीं पता था कि हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बाहर निकले तो आपा के यहाँ पर फेवरेट फूल का पेड़ था। तो आपा ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे, तो फरदीन ने कहा कि मैं तोड़ के लाता हूँ। तो यहाँ पर उनसे परमिशन ली है, जो शॉप यहाँ पर है, जो स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है, उन भैया से परमिशन ली है फरदीन ने। और उन्होंने कहा कि ले लो, क्योंकि वो हाइट पे भी थे, ज़्यादा तोड़ नहीं पाएंगे। और ये अगर खिलेंगे तो ये झड़ भी से, मतलब झड़ के नीचे गिर कर वेस्ट ही हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने परमिशन दे दी। और हमें ज़्यादा तोड़ने के लिए मिला भी नहीं, क्योंकि ये हाइट पे था। देखने आता हाँ, यहाँ है फिर दिन एंड को है देखो, यहाँ डाली नहीं तोड़ रहे, फूल ले रहे, यहाँ एक है देखो एंड को। जोश में आते ना पापा, खुशबू आती मस्त। हाँ रख लो मुझे, वो पत्ते मामुक दो, मामुक पॉकेट में रखने दो, अच्छा वाला दो मामू आप। ये पत्ते मामुक पॉकेट में डालने, देख डाल लेना, बाकी अच्छे वाले तुम्हें रख लो। ने वो खिला सो खिली गलो ने पानी में छोड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा हमें ले जा रही है वजू खाने के पास। पहले भी बहुत, जब अजमा छोटी थी तब आया करते थे बहुत ज़्यादा, हम दो तीन बार आ चुके हैं, दो तीन बार से ज़्यादा ही आ गए हैं। और अभी ये अजमा ने यहाँ का वजू खाना ना एक दो साल, एक साल शायद से नहीं देखा था, इससे पहले हम आया करते थे। तो अभी उसको देखना था, वहाँ पर पहले जब आते थे तो मच्छियाँ थी, तो अभी उसको देखना था कि यहाँ पर मच्छियाँ अभी भी है या नहीं, तो इसी वजह से जा रहे हैं। वैसे फरदीन यहाँ पर बोल रहा था कि टाइम हो रहा है, चलो चलो, लेकिन अजमा को देखना था। उसके फूफू ने फरदीन को मना कर लेकर आए हैं कि थोड़ा सा वो देखेगी, तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे मच्छियाँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं, तकरीबन 5:05 कुछ टाइम हो रहा था, और यहाँ से अभी निकल रहे हैं। और आगे जहाँ पर जाएंगे वो भी शेयर करती जाऊँगी। और एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता था कि हम लोग वहाँ पर जाने वाले भी हैं या नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं था वो जगह का, मतलब ऐसा कुछ देखा ही नहीं था हमने, पहली बार ही हम लोग देख रहे हैं। तो आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फरदीन को हम यहाँ पर बोल रहे थे, मैं और आपा, कि थोड़ा सा गाड़ी को स्पीड में मत रखना, स्लो ले जाना, क्योंकि घर से हम लोग कई दिनों के बाद निकलते हैं, तो थोड़ा आराम से लेकर जाना। तो हम आराम से जाना चाहते थे घर। तो चलिए अभी चलते हैं और इस वाली ब्रिज का नज़ारा देख लीजिए, इस नज़ारे को एंजॉय कर लीजिए।
ये वहां है तू रिफर्जी सामने देखा। तो देखिए फ्रेंड्स, अचानक से रास्ते में जाते हुए ना हमें यहाँ पर एक मस्जिद दिखी, जहाँ पर खूबसूरत बहुत ही प्यारा इसका नज़ारा था। देखकर ऐसा लगा कि चलो यहाँ पर जाना चाहिए। हमने पहली बार मतलब पहले कभी नहीं देखा था, अभी पहली बार देख रहे हैं। वैसे फरदीन ने कहा कि मैंने देखा है, तो हमने नहीं देखा था, बट यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अंदर जाना चाहिए। तो देख लीजिए इस मस्जिद को, बहुत ही प्यारी है। आगे जाकर मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या यहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमेशा की तरह हम सबकी मस्ती करते हुए हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। भाईजान हमारे साथ नहीं आए, उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे रेस्ट कर लूँगा, तो आप लोग जाके आना। तो भाईजान गाड़ी में थे, हम लोग आए हैं अभी नीचे। और यहाँ का जो गार्डन है ना, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था देख कर। सच में बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर भी हमें आकर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पानी है ना, इसके नीचे से मतलब पहले से ही बनाया गया है, और पहले की कारीगरी है ये, और मतलब पुराने ज़माने की कारीगरी है। 1450 साल पुरानी ये मस्जिद है, और इसमें जो पानी है ना, वो पानी अगर आप कितना भी निकाल लो तो ये खुद ब खुद नीचे से आने लग जाता है फिर से। तो ये पहले की कारीगरी है, किस तरह से उन्होंने बनाई होगी। तो देखकर सच में बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिल रहा था, देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखने में बाहर से मस्जिद जो है ना बहुत ही छोटू सी है, लेकिन अंदर शायद से होगी अंदर बड़ी, मगर बहुत अच्छी लग रही थी देखकर। पहले की कारीगरी ना सच में सल्यूट है, क्योंकि इतने अच्छे से वो लोग बिल्ड करते थे, इतने अच्छे से वो बनाते थे, उनकी कारीगरी देखकर ही सच में बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं, उसके लिए वर्ड्स नहीं है। सच में बहुत अच्छा लगा देखकर, और यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिला, क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार आए हैं और मस्जिद तक हम गए नहीं, यहीं पर हम लोग थे और यहीं पर रुककर हमने यहाँ पर जितना जो भी हमें मतलब एंजॉय करना था, जो भी फ़ोटो वगैरह खिंचाना था, हम यहीं पर रुककर खिंचाया हमने। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे देखने के लिए, बहुत ज़्यादा, शायद से आते भी होंगे, हमें नहीं पता था। और हमने पहली बार ही इसको विज़िट किया है, और सच में बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा बैठे, बातें की, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाए।
फिर अभी यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। अभी हम सबको चाय की तलब लगी थी तो यहाँ पर देखिए फोंडा में हम लोग आए हैं गुड़ाची चाय। ऐसी वाली चाय ना हमने कहीं नहीं पी, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। हमेशा जब भी बाहर निकलते हैं तो मन करता है कि यहाँ पर चाय पी के ही जाएं, तो इसी वजह से फोंडा आए हैं और यहाँ की चाय पी कर ही जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फरदीन मुझे और आपा को बोल रहा था कि रात के डिनर के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेना, घर में कुछ भी उबाल के दे देना, बाहर से मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो आपा और मैं बोल रहे थे कि जाते हुए यहीं से फोंडा से कुछ बिरयानी वगैरह लेकर जाएंगे पार्सल, तो रात का डिनर हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तो यहाँ पर उसके साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी, साथ में यहाँ पर देखिए भाईजान ने चाय ले ली अपनी और आपा, मैं और अजमा अभी चाय पियेंगे। और ये जो चाय ना हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी यहाँ पर आते हैं एक चाय पी कर जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता, हम दो चाय तो पीते ही पीते हैं, यहाँ पर एक ही चाय पीकर नहीं जाते हैं हम लोग। तो ये चाय पीने के बाद हमने फिर से एक चाय मंगवाई, मैंने, आपा ने, अजमा ने और भाईजान ने, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की चाय। गुड़ाची चाय है और फेमस है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपा जो है ना अपनी चाय पीते पीते ही अजमा को भी चाय जो है गरम थी तो ठंडी करके दे रहे हैं, फूंक के थोड़ा सा फूंक मार रहे हैं उसमें। तो मैं अजमा को चिढ़ा रही थी कि देख तेरी फूफू जो है ना चाय पीते पीते अपनी चाय, मतलब तेरी अपनी खुद की चाय एक सिप पी रहे हैं और तेरी भी चाय एक सिप पी रहे हैं, तो उसको मैं चिढ़ा रही थी ऐसे ही। तो यहाँ पर हमारी मस्ती चल रही थी, तो यही कुछ पल होते हैं एंजॉय, देखिए इसी तरह से हम लोग करते हैं, तो अभी हमें इसी में मज़ा आता है, तो एक दूसरे को चिढ़ाने में तो अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने चाय पी ली है, थोड़ा सा आगे आए हैं, एक होटल पर रुके हैं ताकि हमारा रात के डिनर का पार्सल ले लें। तो अजमा के पापा गए हुए हैं लेने के लिए और यहाँ पर फरदीन ने जो है बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक लगाई हुई थी और यहाँ पर हम सब बैठकर ऐसे ही डांस कर रहे थे बैठे बैठे, और अजमा भी खुद कर रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ पर उसको शर्म आ गई कि मेरा क्यों कैप्चर करते हो, तो फिर इसी वजह से मैं उसको बोल रही थी थोड़ा बहुत कर ले, क्यों शर्माना। तो यहाँ पर वो चिढ़ रही थी मुझसे, तो मज़ा आता है ना इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एंजॉय इसी में करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो पार्सल है वो आ गया है, अजमा के पापा यहाँ पर रख रहे हैं, और रखते रखते फरदीन ने कहा कि एक काम कर उसको लॉक कर दे पॉलीथीन को, क्योंकि गिर सकता है, अजमा बैठी हुई है पीछे, तो इसी वजह से। और यहाँ पर ना रात का डिनर का पार्सल आ चुका है और थकान इतनी थी, हम लोग वही बात कर रहे थे मैं और आपा कि हम लोग कहीं घर से बाहर जाते नहीं, जब जाते हैं तो थक ही जाते हैं, और घर में जाकर मतलब वापस कुकिंग करें इतनी हिम्मत नहीं थी। आपा ने वही बोल रहे थे कि हमें आदत ही नहीं है बाहर जाने की, कहीं घूमने की, कभी कभार निकल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वापस जाकर कुकिंग करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं, हमारी जो छोटी सी पिकनिक थी वो कंप्लीट हो गई है, हम जाकर आ चुके हैं, और यहाँ पर सीधा आते के साथ ही हम अपने ही घर आए नीचे से ही, क्योंकि आपा के घर जाना है अभी डिनर करने के लिए, पार्सल लेकर आए हैं, तो अभी आपा के घर जाएंगे, फ्रेश होने के लिए घर आए थे, अभी फ्रेश हो चुके हैं, फिर मैं जा रही हूँ आपा के घर, 7:30 का टाइम है, 7 बजे हम लोग आए थे, अभी जा रहे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।